ड्रीमवीवर के अंदर आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट टेबल। हम टेबल के अंदर टू रॉस एंड वन कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके कर दिया। तो आपने क्या करना है, कॉलम को एक्सपेंड कर देना है, जिससे आपने फर्स्ट में आपने हेडिंग टाइप करनी है। ऑनलाइन फॉर्म, मैं इसको बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया। ये आपका फॉर्म डिजाइन होगा। अब जो भी आपका फॉर्म डिजाइन होगा वो इस सारा इस रॉ के अंदर डिजाइन होगा। आपने इनका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके पास लेआउट का एक ऑप्शन होगा। इस लेआउट ऑप्शन में जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म्स। फॉर्म्स के ऑप्शंस खुल जाएंगे बहुत सारे। अब हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेंगे फॉर्म। अब आपका जो भी फॉर्म होगा इसके अंदर सारा डिजाइन होगा फॉर्म। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में आप जाएंगे तो हमने यहाँ से ले लिया नेम। ओके कर दिया। तो देखिए टेक्स्ट फील्ड के आपके पास नेम में नेम फील्ड क्रिएट हो गई। फिर हम आएंगे नेक्स्ट में, हमने लास्ट नेम। अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या आपने इसको क्लिक करके जस्ट ओके कर दिया तो डायरेक्ट फील्ड आ जाएगी। और आपने फर्स्ट मेथड देखा कि हमने डायरेक्ट उसी फील्ड के अंदर नेम भी टाइप किया और फील्ड भी हमारे पास आ गई। लेकिन सेकंड में हमने पहले नेम टाइप किया और जस्ट फील्ड को ब्लैंक करके ओके कर दिया, तो हमारे पास जस्ट टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। एड्रेस फिर टेक्स्ट फील्ड में हम जाएंगे और जस्ट ओके कर दिया। अब हम जाएंगे पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से लेंगे टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, ओके किया। अब आपने इस फील्ड को पासवर्ड में चेंज करना है तो यहां देखें प्रॉपर्टी बार में आपके पास जैसे आप टेक्स्ट फील्ड लेते हैं तो यहाँ पे सिंगल लाइन फील्ड आ जाएगी, मल्टी लाइन और यहाँ पासवर्ड। तो हमने इस टेक्स्ट फील्ड को पासवर्ड में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, इस पासवर्ड को क्लिक कर लेना है तो आपकी नॉर्मल फील्ड पासवर्ड में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट की। नेशनैलिटी के लिए यहाँ से आप लेंगे जंप मेन्यू। जंप मेन्यू के अंदर जाएंगे, ये रहा आपके पास ऑप्शन, इसको कहा जाता है जंप मेन्यू। तो यहां से हम जाएंगे पाकिस्तान, एड पे क्लिक कर दिया, इंडिया, जर्मन, सऊदी अरब, फ्रांस, वो क्लिक कर दिया, ओके किया। तो ये देखिए सारी टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ जाएंगी। ये टेक्स्ट एरिया बटन है, बटन कहलाता है। अब नेक्स्ट में आएंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या करेंगे, यहां से आपके पास सेकंड ऑप्शन है लिस्ट मेन्यू। डीओबी कर देते हैं, आगे डेट लिख देंगे। अब डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। हम यहां से जाएंगे लिस्ट मेन्यू। लिस्ट मेन्यू में सबसे पहले हमने लिखी क्या हमें चाहिए, डेट, ओके किया। तो ये देखें आपके पास एक डेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमने क्या लेना है, मंथ, मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने उसके बाद क्या लेना है, ईयर, हमने ईयर लिखा, ओके कर दिया। अब आपने इनके अंदर डालने हैं डेटा, डेट, मंथ, ईयर। तो आपने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले ऑप्शन को और यहां से प्रॉपर्टी बार में एक लिस्ट आ रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करके उस लिस्ट को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, लिस्ट वैल्यू को क्लिक कर देंगे यहां से, वन टू, यहां से टू एंड थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ये लिस्ट मेन्यू लिस्ट फील्ड आ गई, इसको सेलेक्ट किया, अगेन लिस्ट वैल्यू को क्लिक किया, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ओके कर दिया हमने इसको। फिर आपने लिस्ट वैल्यू को अगेन क्लिक किया, 2001 टू 2003 2004 5 2006 2007 2008 2009 एंड 2010। हमने इनको सिलेक्ट किया, ये देखिए फील्ड आ गई। अब आपने अपलोड फाइल अटैच भी लिख सकते हैं, अपलोड भी लिख सकते हैं। तो फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ से आपने एक ऑप्शन ले लेना है जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास यहीं पे एक ऑप्शन होगा, फाइल का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। हमने यहाँ से जेंडर का ऑप्शन क्रिएट किया, जेंडर। अब जेंडर के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑप्शन ले लिया, चेक, चेक बॉक्स लिया, मेल ओके कर दिया, मेल आ गया। फिर हमने दूसरा लिया फीमेल, फीमेल का एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन के लिए यहां से लिया सिलेक्ट रेडियो बटन, मैट्रिक ओके रेडियो। फिर आपने अगेन लिया इंटरमीडिएट, फिर आपने लिया ग्रेजुएशन, फिर आपने लिया मास्टर्स। अब आपने फॉर्म सबमिट कराना है, फॉर्म यहां से आपके पास एक बटन आ रहा होगा, बटन को क्लिक किया। अब यहाँ पे सबमिट बटन, सबमिट ओके क्लिक करेंगे तो ये सबमिट आ जाएगा। ना भी लिखें तो डायरेक्ट आपको बटन चाहिए तो आप बटन भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद और रीसेट आपने लिखना है, रीसेट। ये आपका रीसेट आ जाएगा। यहाँ पे आपने वेबसाइट लिख दी अपनी, वेबसाइट लिंक www.jax.org, यह आपने लिंक क्रिएट किया, इसके अंदर बोल्ड किया, साइज इंक्रीज कर दिया, यह आपने एक लिंक बना दिया। आपने लिंक देना तो यहां से आप लिंक भी दे सकते हैं, लिंक जैसे आएगा ये ब्लू हो जाएगा। अब आपने बैकग्राउंड कलर देना तो यहां से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये फॉर्म का पूरा बैकग्राउंड कलर है। फैशन कलर देना हो तो यहाँ से आप लाइट कलर सेट कर सकते हैं, ये कलर आ गया। अपने बैकग्राउंड कलर देना है इसका बीजी कलर, ब्लैक आ गया। ये आपका फॉर्म डिजाइन हो गया ऑनलाइन।
अब आपने इसका रिजल्ट चेक करना, तो आप F12 प्रेस कर देंगे टू सी रिजल्ट, किस तरह हम एक बने हुए फॉर्म को फिल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, जुनेद खान, ईमेल एड्रेस dailysfree@gmail.com, पासवर्ड नाम सुषमा, कोई भी हमने एक सिलेक्ट कर लिया कंट्री, डेट ऑफ बर्थ। ये देखें मेल फीमेल, एजुकेशन, रीसेट अगेन रीसेट हो जाएगा, सबमिट आगे फॉरवर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका लिंक आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है ड्रीमवीवर के अंदर।